वेलकम स्टूडेंट कॉमर्स की टू सक्सेस। मैं टीना मालाकार। आज का जो अपना वीडियो है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी आपके RBSE ने क्लास 12 के लिए जो एग्ज़ाम अपना जो होने वाला है 2022 के लिए न्यू सिलेबस अपलोड किया है, इस बारे में डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इसमें मैं जो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि उसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा और इन्होंने अपने जो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं वो भी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इन्होंने बुक्स भी बताई हैं कि अपन को कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में पहले इन्होंने बता रखा है अपन को, पेपर पैटर्न बता रखा है, कितनी टाइमिंग दे रखी है इन्होंने, 3 hours 15 minutes इन्होंने दे रखी है कि अपना जो पेपर्स होगा वो 3 hours 15 minutes का अपना पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स अपने स्कूल से जाएंगे और टोटल यानी अपन को 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 में से अपन को स्कोर करना है। फिर इन्होंने यूनिट्स वाइज अपन को सिलेबस दे रखा है, बता रखा है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दो हैं। पार्ट फर्स्ट अपना 60 मार्क्स का, पार्ट सेकंड अपना 20 मार्क्स का है। पार्ट फर्स्ट में दे रखा है इन्होंने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी, जिसमें इन्होंने पार्ट यानी फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है इन्होंने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड जो सेकंड चैप्टर दे रखा है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये दे रखे 10 and 25 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपका हो गया 35 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप आएगा, जिसमें 4 चैप्टर होंगे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी चारों चैप्टर्स अपन को इसमें कवर करने हैं। फिर आपका है थर्ड नंबर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, यानी अपन को इशू ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशंस एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, ये पढ़ना ही अपना है, 25 मार्क्स का है टोटल। फिर उन्होंने पार्ट सेकंड में दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दे रखा है, इसमें फोर्थ अपना चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये दे रखा है 12 मार्क्स का। और आपका जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है वो आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो है आपका 8 मार्क्स का। जो डिटेल सिलेबस है इन्होंने वो दे रखा है, ये देखिए, यानी जो आपका NPO के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता रहे, लेकिन इन्होंने जो डिटेल सिलेबस है उसमें आपका NPO दे रखा है, यानी आपका NPO हटानी है, यानी अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर भी अपन को पढ़ना है, ये हटानी है, NPO भी अपन को पढ़ना है, ये फर्स्ट चैप्टर दे रखा है। सेकंड वही मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप दे रखा है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप दे रखा है और दे रखा है फॉर्म रिटायरमेंट और डेथ, ये अपन को पढ़ना है। और फिर फिफ्थ चैप्टर अपना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारा पढ़ना है, पार्ट फर्स्ट में दे रखा है। पार्ट सेकंड में इन्होंने डिवाइड कर रखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बता रखा है। और इन्होंने जो थर्ड चैप्टर है वो बता रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ना है अपन को, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। और जो फिफ्थ चैप्टर्स है इन्होंने बता रखा है अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशो के बारे में इन्होंने ऊपर कुछ भी नहीं बता रखा, लेकिन अकाउंटिंग रेशोज़ भी अपन को पढ़ने, क्योंकि इन्होंने जो डिटेल सिलेबस है उसके अंदर ये दिया है तो ये अपन को पढ़ना है। फिर दे रखा है इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है जो अपन को पढ़ना है। और पहले तो आपका जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट जो हटा दिया गया और एक अकाउंटिंग एथिक्स भी थे वो चैप्टर्स यहाँ से हटा दिए गए और न्यू ऐड कर दिया गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और आपका इसमें है बुक्स अपन को पढ़नी है, NCERT बुक्स अपन को पढ़ना है। अगर आपको और भी डिटेल्स में इसको देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं जो आपका ये सिलेबस है, चाहे वो CBSE हो चाहे वो RBSE हो, दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है अपना 12th क्लास का उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ मेरे चैनल कॉमर्स की टू सक्सेस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर जो भी स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनके पास कोचिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 12th क्लास से रिलेटेड जितनी भी वीडियो जितने भी चैप्टर्स हैं CBSE के अकॉर्डिंग या RBSE के अकॉर्डिंग मैं इस चैनल पर डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है तो आप मेरे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।